brought to you by Infinix. Infinix स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार, पगली सेल अभी बाकी है। सबसे पहले आप ये आप बीती सुनिए। पहली आप बीती, रात होते ही ये जगह जहन्नुम बन जाती है। हम जब सोने की कोशिश करते हैं तब गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग चिल्ला रहे होते हैं और अपने घर से भाग रहे होते हैं। दूसरी आप बीती, मैंने एक झुंड देखा। उस झुंड में लोगों के पास लंबे लंबे चाकू थे, वे कैंप के अंदर दौड़ लगा रहे थे, उनके पास बड़े डंडे थे और वे खुले में गोलियां भी चला रहे थे। ये सच में डरावना था। आपने दो अनुभव सुने, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसी कहानियां बेहद आम हो गई हैं, गिनने बैठे तो हजारों निकलेंगी। और ये हो कहां रहा है? ये सब बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप्स में रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ हो रहा है। म्यांमार में अपने पुरखों की जमीन से बेदखल होकर आए ये शरणार्थी नई मुसीबत से जूझ रहे हैं। ये रिफ्यूजी कैंप्स अपराध का नया अड्डा बनकर भी उभर रहे हैं, जिसके चलते शांति और बेहतर दुनिया की चाह रखने वालों के लिए कुआं और खाई वाली स्थिति बन गई है। उनकी अपनी सरकार उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बांग्लादेश में उनका जीना दूभर हो चुका है। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल 15 अक्टूबर को बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के शरणार्थी कैंप में दो रोहिंग्या नेताओं की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के पीछे कैंप के अंदर चल रहे क्रिमिनल गैंग्स का हाथ बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दोनों नेता शरणार्थियों के लिए बेहतर जीवन और पुनर्वास की मुहिम चला रहे थे। हालांकि रोहिंग्या नेताओं की हत्या के ये पहले मामले नहीं हैं। अब तक कम से कम 14 नेताओं की हत्या हो चुकी है। इन मामलों के तार गैरकानूनी ड्रग्स तस्करी और दूसरे अपराधों से भी जुड़ते रहे हैं। तो आज हम जानेंगे रोहिंग्या नेताओं की हत्या कौन कर रहा है, रिफ्यूजी कैंप्स में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और इन कैंप्स के अंदर आखिर होता क्या है और रोहिंग्या मुसलमानों का भविष्य क्या दिखता है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है दुनियादारी। आज हम बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप्स में चल रहे अपराध पर विस्तार से बात करेंगे, पर पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। म्यांमार की पश्चिमी सीमा पर बसा एक प्रांत है रखाइन स्टेट, इसको अराकान के नाम से भी जाना जाता है। यहां हमेशा से रोहिंग्या मुसलमानों की बहुतायत रही। उनका दावा है कि हम मुस्लिम व्यापारियों के वंशज हैं और 9वीं सदी से रखाइन में रहते आए हैं। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, साल 1824, ब्रिटेन ने पहली बार बर्मा पर हमला किया, तीन युद्ध लड़े, 1886 में बर्मा को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना दिया। कुछ वक्त के बाद बर्मा अलग कॉलोनी बन गई और फिर 1942 में जापान का हमला हुआ। उस समय रखाइन की रोहिंग्या मुस्लिमों ने ब्रिटेन की तरफ से जंग लड़ी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई, उसे बर्मा छोड़कर जाना पड़ा। ब्रिटिश शासन वापस आ चुका था, लेकिन उन्हें पहले जैसा समर्थन नहीं मिला। बर्मा में राष्ट्रवाद की भावना उभर रही थी। बर्मा के लोगों ने आज़ादी की मांग शुरू कर दी। 4 जनवरी 1948 को बर्मा आज़ाद हो गया। बर्मा अब एक आज़ाद गणतंत्र था। नई संसद ने यूनियन सिटीजनशिप एक्ट भी पास किया, जिसके तहत सभी नागरिकों को बराबर का नागरिक माना गया। इसमें रोहिंग्या और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे। 1949 में नागरिकों की पहचान का काम चालू हुआ। सरकार ने रोहिंग्या समेत सभी नागरिकों को रजिस्ट्रेशन कार्ड देना शुरू किया। 1951 से 1960 के बीच बर्मा में 3 आम चुनाव हुए। इसमें सभी नागरिकों को वोट डालने का हक था। कई रोहिंग्या नेता चुनाव जीतकर संसद भी पहुंचे। यहां तक सब ठीक चल रहा था। फिर साल आया 1962 का। ये साल आजाद बर्मा में हुए पहले सैन्य तख्तापलट का गवाह बना। सेना के जनरल ने विन ने लोकतांत्रिक सरकार को किनारे कर देश की कमान अपने हाथ में ली। विन की सरकार रोहिंग्या मुस्लिमों को अपना नहीं मानती थी। उनका कहना था कि ये बाहरी हैं, बर्मा में घुसपैठ करके आए हैं। तो सैन्य सरकार ने रोहिंग्याओं को बर्मा से निकालने की भरपूर कोशिश शुरू की, लेकिन उनकी आबादी लाखों में थी, उन्हें एक झटके में बाहर करना नामुमकिन था। फिर इसके लिए कानून का रास्ता अपनाया गया। बर्मा की मिलिट्री सरकार 1974 में नया संविधान लेकर आई। उन्होंने संसद से इमरजेंसी इमिग्रेंट एक्ट पास कराया, जिसके जरिए रोहिंग्याओं को बांग्लादेश, चीन या भारत की पहचान से जोड़कर विदेशी घोषित किया जाने लगा। सैन्य सरकार उनकी संपत्तियां भी जब्त करने लगी। उनके बुनियादी अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया। कुछ समय के बाद सरकार ने ऑपरेशन ड्रैगन किंग चालू किया। कथित विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। 1982 में सरकार नागरिकता से जुड़ा नया कानून लाई। इस कानून के तहत जातीयता के आधार पर नागरिकता देने की बात हुई। इसमें रोहिंग्या और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिक नहीं माना गया। 1988 में बर्मा में लोकतंत्र के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ और इसी प्रोटेस्ट से आंग सान सूची लोकतंत्र की नई नायिका बनकर उभरी। सेना ने इस प्रोटेस्ट को बेरहमी से कुचला। 1989 में फिर दो चीजें हुई। बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार किया गया और दूसरी चीज ये कि सरकार सिटीजनशिप स्क्रूटनी कार्ड वाला सिस्टम ले आई।
इस कार्ड के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता था, रोहिंग्या भी, लेकिन उनके लिए शर्त मुश्किल पड़ गई। उन्हें कम से कम म्यांमार की एक आधिकारिक भाषा आनी चाहिए थी। ये सबूत होना चाहिए था कि उनका परिवार आज़ादी के पहले से म्यांमार में रह रहा है, लेकिन ज़्यादातर रोहिंग्या मुसलमानों के पास ये सब साबित करने के लिए कागजात नहीं थे। कभी बनवाने की नौबत ही नहीं आई, इसलिए उन्हें कभी कार्ड नहीं मिला। वे म्यांमार के होकर भी म्यांमार के नहीं माने गए। 1990 में म्यांमार में लोकतांत्रिक चुनाव हुए। सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD विजेता बनी, लेकिन सेना ने नतीजा मानने से इनकार कर दिया। सैन्य शासन कायम रहा, साथ में रोहिंग्या मुस्लिमों का शोषण भी। 1991 में सेना ने ऑपरेशन पी थाया लॉन्च किया, अंग्रेजी में से क्लीन एंड ब्यूटिफुल नेशन कहा गया। इस ऑपरेशन में रोहिंग्याओं के खिलाफ हिंसा की गई। 2.5 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश चले गए। जब स्थिति संभली तो उनमें से आधे वापस लौटे, लेकिन अब उनके सामने दूसरी मुश्किल खड़ी हो चुकी थी। बांग्लादेश से लौटे लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देने पर रोक लगा दी गई। सीधे तौर पर उनकी पहचान को नकार दिया गया। इसके बाद समय समय पर अलग अलग तरीके से रोहिंग्या मुस्लिमों को बेवतन बनाने का चक्र चलता रहा। फिर आया साल 2010। सैन्य सरकार ने चुनाव कराने का वादा किया था। 2011 में लोकतांत्रिक सरकार की वापसी भी हुई। उम्मीद हो रही थी कि नई सरकार रोहिंग्या समस्या को मानवीय नजर से देखेगी, पर हुआ इसका उल्टा। रोहिंग्याओं पर चल रहा अत्याचार बढ़ गया। अप्रैल 2014 में म्यांमार में जनगणना कराई गई, लेकिन इसमें रोहिंग्या को शामिल नहीं किया गया, उनकी गिनती ही नहीं हुई। इससे पहले देश में कई बौद्ध संगठन तैयार होने लगे थे। वे बहुसंख्यक बौद्ध परंपरा का वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे। उन्हें लगा रोहिंग्या रास्ते की रुकावट है, इसलिए उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ हिंसक अभियान छेड़ दिया। सूची की सरकार बहुसंख्यक बौद्धों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे चुप रहे, और इसका नतीजा यह हुआ कि रोहिंग्याओं के खिलाफ बन रहा माहौल देश भर में फैल गया। आम बौद्ध नागरिक भी उनसे नफरत करने लगे। इस माहौल में उबाल आया अगस्त 2017 में। इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर फैली कि म्यांमार आर्मी रोहिंग्याओं को चुन चुनकर मार रही है, उनके गांव के गांव जलाए जा रहे हैं। इसी खबर के बरक्स एक और कहानी चल रही थी। उसी समय अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी यानी ARSA का नाम चर्चा में आया। कहा गया कि ARSA ने कुछ पुलिस थानों में आगजनी की, जिसके बाद दंगे भड़के और सेना को हिंसा का बहाना मिल गया। ARSA की स्थापना 2013 में हुई थी। इस संगठन के तार जिहादी समूहों से जुड़ते रहे हैं, लेकिन ARSA ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया। उनका कहना है कि वे रोहिंग्याओं के रक्षक हैं। ARSA को बनाने वाले अताउल्ला अबू अम्मार पाकिस्तान के कराची में पैदा हुआ। उसकी परवरिश सऊदी अरब के मक्का शहर में हुई। रोहिंग्या नरसंहार से पहले वो रखाइन में धर्म प्रचार किया करता था और कहता था कि रोहिंग्या खतरे में है। वो गांव में जाकर लोगों को उकसाता था, उन्हें हिंसा के लिए तैयार भी करता था, फिर उन्हें बंदूक और बम बनाने की ट्रेनिंग दिया करता था। अगस्त 2017 में जिस दिन ARSA ने हमले शुरू किए, उसी दिन अताउल्ला के कमांडर एक अफवाह लेकर आए। उन्होंने कहा कि म्यांमार आर्मी तुम्हारे पीछे आ रही है, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, चुपचाप रहने से अच्छा है मरकर शहीद हो जाओ। उनके बहकावे में आए लोगों ने पुलिस थानों में आग लगाई, कई जगहों पर लूटपाट भी की। इसके बाद म्यांमार की सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू की। फिर रोहिंग्या मुस्लिमों का पलायन शुरू हुआ। वे अपनी जान बचाकर भागे। उन्होंने पड़ोस के बांग्लादेश में शरण ली, कुछ भागकर भारत भी आए। UN, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस समेत कई मानवाधिकार संगठनों ने म्यांमार सरकार की आलोचना की। सबूत सामने आए कि किस तरह म्यांमार की सरकार, सेना और बहुसंख्यक बौद्ध आबादी ने एक होकर अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार किया। ऐसे मामले सामने आए कि सेना ने रोहिंग्याओं के गांव में आग लगा दी, फिर जब लोग घरों से भागे तो उन्हें घेर कर गोली मार दी, कई सामूहिक कब्रें मिली। लेकिन म्यांमार सरकार ने आरोपों को एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। उन्होंने इसे रिएक्शन फॉर एक्शन से जोड़ दिया। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए नोबेल पाने वाली आंग सान सूची ने भी चुप्पी साध ली, जबकि वो उस समय देश की मुखिया थी। हमने आपको रोहिंग्याओं की कहानी सुनाई, ARSA का भी परिचय दिया। अब अपने सवाल पर वापस लौटते हैं, बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप्स में अपराध कैसे बढ़ा? म्यांमार से भागकर आए रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश सरकार ने कॉक्स बाजार में जमीन दी। जल्दी ये इलाका शरणार्थियों से भर गया। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में फिलहाल 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। यहाँ एक वर्ग किलोमीटर के इलाके में 40 से 70 हज़ार के बीच लोग रहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जहाँ लोग एक साथ रह रहे हों, वहाँ समस्या आना स्वाभाविक बात है। बांग्लादेश वैसे ही अपने निजी मसलों से जूझ रहा है, उसके ऊपर इन रिफ्यूजीज की देखभाल एक बड़ी चुनौती बन गई है। रिफ्यूजी कैंप्स में रहने वालों के लिए इंटरनेशनल संस्थाएँ अलग अलग कैंपेन चला रही हैं, उनके लिए रोजगार और भोजन के साधन भी मुहैया करा रही हैं, लेकिन अक्सर ये पर्याप्त नहीं होता।
परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसों की जरूरत होती है। इसके अलावा रिफ्यूजी कैंप्स की 97% जनता निरक्षर है। ऐसे में उनके लिए पैसे कमाने का सबसे आसान रास्ता अवैध धंधों से होकर जाता है। नौजवानों को भरमाकर उन्हें ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में लगाया जाता है। क्रिमिनल गैंग्स के लिए उन्हें भर्ती करना और उनसे काम निकलवाना बहुत आसान होता है। रिफ्यूजी कैंप्स म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर हैं। दोनों देशों के बीच 280 किलोमीटर लंबी सीमा है। क्रिमिनल गैंग्स के लिए बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल नहीं होता। ऐसे में उनका व्यापार फलता फूलता है और ये सरकार की नज़र से भी अक्सर बचा रहता है। बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप्स में ऐसे कई गैंग हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे अवैध काम करवा रहे हैं। इनमें सबसे कुख्यात है मुन्ना गैंग। ये सबसे सक्रिय है। ये गैंग ऐसे लोगों की भर्ती करता है जो रोजगार की तलाश में होते हैं। ऐसे लोगों से बॉर्डर पार करवाकर बंदूक, नशीले पदार्थ और दूसरी अवैध चीजों की तस्करी करवाई जाती है। इन नशीले पदार्थों में याबा सबसे फेमस है। याबा मैथ और कैफीन का मिश्रण होता है जो आमतौर पर रंगीन कैंडी जैसी गोलियों के रूप में आता है। 2015 में पुलिस ने एक छापे में याबा की लगभग 1.5 करोड़ गोलियां पकड़ी थी। याबा को दूसरे विश्व युद्ध में सैनिकों के लिए बनाया गया था, लेकिन सैनिकों के साथ ये आम लोगों के हाथ लगा और धीमे धीमे एशिया के कई मुल्कों में इसकी पहुंच बढ़ गई। तब से इसे नशीले पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश याबा के बड़े मार्केट के तौर पर उभरा है। अब समझते हैं ये धंधा चलता कैसे है। अल जजीरा ने कुछ समय पहले एक ड्रग तस्कर से बात की। उसने बताया था कि मुझे कुटुबलोंग कैंप से 10,000 गोलियां कॉक्स बाजार पहुंचाने के लिए 5,000 बांग्लादेशी टका मिलते हैं। मैं ये मजबूरी में कर रहा हूं, मेरे पास घर चलाने और पेट पालने के लिए पैसा नहीं है। मैं अक्टूबर 2016 में अपनी माँ, बीवी और 3 बच्चों के साथ बांग्लादेश आया था, क्योंकि हमें म्यांमार से मार कर भगा दिया गया था। ऐसे कई लोग म्यांमार से याबा की तस्करी करते हैं और बांग्लादेश लाते हैं, फिर उन्हें बड़े व्यापारी दूसरे बाजारों में सप्लाई करते हैं। याबा के साथ इन लोगों से सोने की भी तस्करी करवाई जाती है। मुन्ना गैंग अकेला नहीं है जो कैंप के लोगों से ये अवैध काम करवाता हो। कैंप में सलमान शाह, पुतिया, हाकिम, जोकिर जैसे और भी कई ग्रुप हैं जो ऐसे कामों में लगे हैं। ये गिरोह तस्करी के साथ साथ लूटपाट, चोरी, डकैती, हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों में भी लिप्त रहते हैं। कैंप में किस गैंग का दबदबा रहेगा, इसकी लड़ाई भी लगातार चलती रहती है। इन लोकल ग्रुप्स के अलावा ARSA भी इस खेल में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने लोग इन कैंप्स में छोड़े हुए हैं जो लोगों को मोबिलाइज करते हैं, अपने ग्रुप में शामिल करने का प्रयास करते हैं। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैंप्स में अपराध की दर तेजी से बढ़ रही है। जहां 2017 में 208 मामले दर्ज किए गए, 2021 में इनकी संख्या 570 तक पहुंच गई। अब सवाल उठता है कि अपराध से निपटने के लिए बांग्लादेश सरकार क्या कर रही है। सरकार ने इन कैंप्स में स्पेशल पुलिस तैनात की है। कैंप्स के इर्द गिर्द नुकीली तार से बॉर्डर बनाई गई हैं। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि आए दिन हमें इन बॉर्डर में बड़े छेद देखने को मिलते हैं। हम एक ठीक करते हैं, तब तक वो दूसरा बना देते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि उनमें आसानी से कोई व्यक्ति आर पार जा सके। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में जो कैंप है उसके आसपास 50 वॉच टावर भी बनाए गए हैं, जिनसे दिन रात निगरानी रखी जाती है। इसके साथ जब इन कैंपस में लोग आते हैं तो उनकी पहले तलाशी ली जाती है। अधिकारी ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर अपराध रात के अंधेरे में होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है लाइटिंग की व्यवस्था का ना होना। इससे अपराधी आसानी से चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। सवाल ये कि आज इसकी चर्चा क्यों। जैसा हमने शुरुआत में बताया, 15 अक्टूबर को रोहिंग्या कैंपस के 2 लीडर्स का कत्ल कर दिया गया। मौलवी मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद अनवर, दोनों की उम्र 38 साल थी। ये दोनों रोहिंग्या शरणार्थियों का जीवन सुधारने की मुहिम में जुटे थे, उनके लिए पुनर्वास की मांग कर रहे थे। दोनों नौजवानों को ड्रग तस्करी से बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। बांग्लादेश पुलिस के एक अधिकारी ने आशंका जताई है कि इन हत्याओं के पीछे ARSA का हाथ हो सकता है। ARSA ने इस आरोप पर कोई जवाब नहीं दिया है। पिछले साल सितंबर में मुहिबुल्ला नाम के रोहिंग्या कार्यकर्ता की हत्या के पीछे भी इसी संगठन का नाम आया था। उसकी हत्या पर अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चिंता जताई थी। अगर आप मुहिबुल्ला की हत्या की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो दुनियादारी का एपिसोड देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये समझते हैं कि रोहिंग्या कैंप्स का भविष्य कैसा हो सकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बांग्लादेश में रह रही रोहिंग्याओं की बड़ी आबादी की वजह से वहाँ कई समस्याएं पैदा हुई। बांग्लादेश की 6,000 एकड़ ज़मीन पर रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए कैंप बने हैं, जिससे खेती की ज़मीन में कमी आई है, जानवरों को चराने की जगह कम हुई, साथ ही देश के पर्यावरण पर भी असर पड़ा। इससे बांग्लादेशियों की आजीविका पर भी असर हुआ। इसके साथ जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसे लेकर आम बांग्लादेशी नागरिक भी चिंतित हैं, डरे भी हैं। पर इन सब के बावजूद बांग्लादेशी लोग ही रोहिंग्या लोगों की मदद भी कर रहे हैं।
सरकार बार बार कहती रही कि रोहिंग्या म्यांमार लौट जाएंगे, लेकिन स्थानीय नागरिकों को अब इन आश्वासनों पर भरोसा नहीं रह गया। वे अब मांग कर रहे हैं कि जब तक रोहिंग्या संकट का कोई हल नहीं निकल जाता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को रोहिंग्याओं की तरह उन्हें भी भोजन और दूसरी सहायता मुहैया करानी चाहिए। जानकारों की माने तो अभी के हालातों को देखकर नहीं लगता कि बांग्लादेश रोहिंग्याओं को वापस जाने के लिए मजबूर करेगा। इसके अलावा म्यांमार में तख्तापलट के बाद सैन्य शासन की वापसी हो चुकी है। सेना रोहिंग्याओं के पलायन की सबसे बड़ी जिम्मेदार थी, इसलिए उनका वापस जाना फिलहाल मुश्किल दिखाई देता है। इससे रिफ्यूजी कैंप्स में अपराध की आशंका और भी कई गुना बढ़ गई है। पिछले 3 महीनों में 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। हालत नहीं सुधरे तो रिकॉर्ड रखना भी मुश्किल हो जाएगा। आज के दुनियादारी में इतना ही। विदा से पहले एक जरूरी अपडेट, देखिए लल्लन टॉप की नई पेशकश फाइनल रिपोर्ट, जिसका पहला एपिसोड आ चुका है। पहली रिपोर्ट जामताड़ा के साइबर क्राइम के पैटर्न पर है। देखिए, समझिए और अपनी राय जरूर दीजिए। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।